डिपार्टमेंट नहीं गए तो मेरे को लगा शायद नहीं हो, क्योंकि हर बार क्लैश दे रहे थे एंगल पे, लेकिन इस बार अगर आ चुके हैं अपने नॉर्मल ड्रॉप की तरफ, लूट से हमें बात करें तो कंप्लीट कर रहे हैं, और देखने वाली बात रही किस तरीके की शुरुआत आ सकती है उनके पास। लेकिन टीम सोल भी इस बीच बात करें कुछ अच्छी ओपनिंग से यहाँ पे निकालना स्टार्ट कर चुके हैं। मिड में बात करें तो रेन से एक प्लेयर को नॉकआउट किया गया। फिनिश की तरफ यहाँ पे बात करें तो क्या जाना पसंद करेंगे, या फिर अभी भी थोड़ा यहाँ पे टाइम लेके लग तो नहीं रहा है, क्योंकि व्हीकल स्टार्ट करके वो सीधा स्लैम इन कर बैठे हैं अपने अपोनेंट के ऊपर, जो कि एनिग्मा होने वाले। ये हाइट से बात करें तो ग्रेनेड काफी अच्छा थ्रो किया गया, संभल के रखे क्योंकि अपनी टीममेट को भी उसका डैमेज यहाँ पे ना मिल पाए, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। हैदराबाद हाइड्रास के प्लेयर को जो नुकसान पहुंचाया गया था, शायद उसका रिवेंज अटैक लाने के लिए, वो भी ग्राउंड में प्रेजेंस प्रेजेंस उनका देखने को मिले, तो टीम सोल के लिए मुश्किल हो सकती है। सेल्सियस भी यहाँ पे आ चुके, चार टीमें इस ग्राउंड में एक फाइट के दौरान ही हम लोग को देखने को मिल रहे, तो ये सरप्राइज नहीं है, ये पहले भी हम देख चुके हैं, शायद इस मैच में भी उसी से मिलता जुलता हुआ चीजें हम लोग को देखने को मिले। इस बीच एक चुके खिलाड़ी को भी मैच से व्हीकल ब्लास्ट के कारण बाहर होना पड़ता है। टीएक्स क्लाउनी रावण पुराने दिन गए। फिलहाल के लिए हम बात करें टीम सोल की, यहाँ पे हमको नजर आएगी एंड वाइपर ओ काफी लो थे, अंदर आने की कोशिश तो थी बट आखिरी बुलेट कनेक्ट हो जाती है, टेक डाउन हो जाएंगे। सब्स्टिट्यूट की तरफ से अब एक इंस्टेंट स्मोक किया जाएगा ताकि कोई भी प्लेयर उनको पुश ना कर पाए। टीम एनिग्मा ही खुद के बैटल लड़ रही है, तो यहाँ पे पुश करना आई मीन उनके लिए बहुत आसान नहीं होगा। एक प्लेयर उनको ऑलरेडी नॉक है एंड यहाँ पे नेड कुक किए जा रहे हैं एगी की तरफ से, एगी शायद टेक डाउन कर सकते हैं एक बार फिर से। वाइपर कुछ ना अभी अभी हील किया है। मीन वाइल वीरू की तरफ से जिगल पीक्स देखने को मिल रहे हैं, स्ट्राइकर को डाउन किया बट एक इंस्टेंट ट्रेड आएगा। सब्स्टिट्यूट का नेड साकी को डाउन करेगा अंदर, वीरू को नॉक करके फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा। मैंटी की तरफ से एनिग्मा के दो प्लेयर्स डाउन है, अभी आखिरी प्लेयर बचे हैं सोल के रॉक्स का, वो नेड एगी को भी डाउन करता है। इट्स ऑल डाउन टू वन मैन, उसके ऊपर पुश किया जा रहा है अभी के ऊपर एंड अभी को यहाँ पे डबल पीक करके फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा। सब्स्टिट्यूट और उनके साथ वाइपर गए थे, वाइपर को वो किल मिला, को नॉकआउट पा सकते हैं। जी हाँ, फिलहाल के लिए एक टीम ही एलिमिनेट हुई है इस लॉबी से, दैट इज टीम एनिग्मा। उसके बाद सोल के रॉक्स अब डाउन हो जाते हैं एंड अगर हम बात करें स्काउट ने भी एक अच्छा नॉक निकाला है, रॉक्स के ऊपर नेड्स लगातार आते हुए उनको नजर आएंगे, उनको फिनिश ऑफ भी करना चाहते हैं। कैरी वहां पे वाइपर को भी डाउन करेंगे, इट्स ऑल डाउन टू वन मैन। सब्स्टिट्यूट हमारे साथ आखिरी प्लेयर बचे हुए हैं, यहाँ पे प्री नेड्स डालने की कोशिश उनकी तरफ से हमको जरूर देखने को मिल रही है बट देयर इज नो वन राइट नाउ देयर एंड वो प्री नेड्स के चलते टीम हैदराबाद हाइड्रास को थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। बट यहाँ पे मोलोटोव है, मोलोटोव में कैरी जल जाएंगे, काफी लो है, एक एचपी है, उस चीज के ऊपर कैपिटल सब्स्टिट्यूट जंपी के साथ करते हैं, टेक्स हिम डाउन, इट्स अ वन वर्सेस टू नाउ। स्ट्राइकर और मैंटी के अगेंस्ट हमको सब्स्टिट्यूट नजर आएंगे बट यहां पे थर्ड पार्टी आ चुकी है, सेल्सियस नॉक करेगी टीम हैदराबाद हाइड्रास के स्ट्राइकर को। मैंटी एक एचपी है, बैंडेज लगाने की कोशिश बट ही माइट जस्ट डाई टू प्ले जोन, प्ले जोन से जरूर जरूर बचे हैं बट अभी भी उनको फर्स्ट एड लगाने की जरूरत है। एक नेड या फिर कोई भी थ्रोएबल उनको फिनिश ऑफ कर सकता है, फर्स्ट एड लगाने की कोशिश बट जैसे विंडो पे आएंगे थर्ड पार्टी हो जाएंगे, साथ ही साथ टीम सोल भी यहां से एलिमिनेट हो जाएगी। ब्यूटीफुल थर्ड पार्टी कमिंग इन बाय टीम सेल्सियस।